नहीं, आप बताएं क्या तजाद आता है, मुझे नहीं महसूस हो रहा। नहीं, आपके जहन क्या तजाद महसूस कर रहा है दोनों में, ये आप बताएं ताकि मैं उसको हल कर सकूं। किस हदीस में है, क्या है, आप बयान तो करें ना। मैं तब तो समझा नहीं किस हदीस का आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो कुरान मजीद में है, हदीस नहीं है। जी जो नेकी का हुक्म है जी सही है। तो इस जमात से यानी क्या होने लगता है नहीं, जमात मैं आपकी बात समझ गया। जमात से मुराद वो मौजूदा निज़ाम वाली जमात नहीं है, जमात इस्लामी नहीं है, या जो आज तंजीमें हैं वो नहीं हैं, वो भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि एक ऐसी कुव्वत मुनज़्ज़म किसी सूरत में मुनज़्ज़म हो वो होनी चाहिए कि जो ये काम करे। जी मैं सुन नहीं सका आपकी बात। जी मौत अजाब वो इसलिए नहीं है कि जलजला है या आतिश फिशां है या दरिया में कोई डूब गए, अजाब इसलिए है कि वो आमाल की वजह से ऐसा हुआ है। समझे ना आप इस बात को, आप समझें कि बल्कि बहुत से उलमा का नज़रिया तो ये है कि वो जलजला या आतिश फिशां जो फटता है वो भी तबई कवानीन के तहत फटता है, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत उन दोनों को यूँ जमा कर देती है कि जिस वक्त कौम को सज़ा देना मकसूद होती है उस वक्त ही तबई कवानीन के तहत जलजला आता है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने यही नज़रिया पेश किया है कि ये नहीं कि ख़ास तौर पर सज़ा देने के लिए जलजला लाया जाता है, बल्कि जलजला तो तबई कवानीन के तहत आने वाला होता है। अल्लाह ताला ने अपनी प्लानिंग मशीयत में उस जलजले को उस वक्त के लिए मुकद्दर कर दिया है जबकि कौम को सज़ा देना मकसूद है। अपने तो मैंने जो उसूल बयान किया, अगर उनके मुकाबले में कोई अमले साले करने वाली कौम मौजूद हो तो फिर उसका हक है, वो पाएगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक हाथ पे हाथ धरी रख कर बैठने वाली कौम हो तो वो अमल फासिद ही हो, लेकिन अमल तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, और सारे अमाल फासिद नहीं हैं। ये बात ही मैंने बयान कर दी थी, और ये नहीं कहा था कि हर मेहनत करने वाली, बल्कि मेहनत भी अखलाक के अंदर शामिल है। आप उसको सिर्फ शराब और जिना तक महदूद न करें, बल्कि मेहनत करने की आदत तो मेहनत करना, वक्त पे दफ्तर जाना, वक्त पे दफ्तर से आना, हर काम को जिम्मेदारी से कर देना, ये भी अखलाकी सिफात हैं जो अल्लाह के तराजू में वजन पाती हैं जब वो फैसला करता है। जी ये तो देखिए इस पर मुनसर है कि अल्लाह ताला की मशीयत में क्या चीज़ तयशुदा है, लेकिन अजाब तो वो है कि जो सज़ा के तौर पे आए, और आजमाइश जो है वो कई पहलुओं से आती है, दर्जात बुलंद करने के लिए भी आती है और किसी को की तरबियत के लिए भी आती है। मुख्तलिफ़ लिहाज से आजमाइश का लफ्ज़ जो है कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया। आप कैसे मतलब कि हमारे तरीके से रहें तो कैसे कितना आपको
یہی میں نے آخر میں بات صاف کر دی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ اس لیے ہے کہ اس نے ان کو اپنا ملازم رکھا ہے، اور جب ملازم کسی کو رکھا جائے تو اس کو اور ساری شرائط کے ساتھ شرائط ملازمت بھی پوری کرنی ہوں گی، تو اس لیے وہ خود ہی قانون اس طریقے سے ہے کہ جب تک کہ وہ ان شرائط ملازمت کو نہ پورا کرے وہ اور دوسرے اخلاق سے بھی محروم ہے، اور چلی آ رہی ہیں محروم. میں اس میں نے شاید مثال بھی تقی کا آپ نے حوالہ دے دیا تو میں نے مثال بھی دی ہوگی اس کے اندر شاید، کہ ایک مثال ترکی کی ہے. ترکی نے 1920 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو مغرب کے سانچے میں ڈھل کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، قوانین بدلے، لباس بدلا، رسم الخط بدلا، زبان بدلی، سب کچھ بدل دیا. آج بھی وہ ایک مرد بیمار ہے یورپ کا. جاپان نے فیصلہ کیا کہ ہم کو بھی چلنا ہے لیکن اپنی اقدار کے ساتھ ترقی کرنا ہے. آج جاپان دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے. ہم بھی پانچ 5-year پلانس پاکستان میں نافذ کر چکے ہیں، انڈیا بھی کر چکا ہے، انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے اور کوئی مقصد نہیں ہے جس کے لیے ہم کام کریں. مسلمان جب قوم بن جائے تو وہ اللہ کے علاوہ کسی مقصد کے لیے متحد نہیں ہو سکتی. اور قوموں کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اخلاق میں ایمان کا، میں نے پہلے ہی بات کی تھی، ایمان ہے. کیونکہ ہمارے ایمان ہی ناقص ہے اس لیے آگے تو اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، خواہ وہ ایمان باطل پہ ہو لیکن مضبوط ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے. وہی وقت مقرر ہے اس کا. جی ہاں، نماز کا وقت. اچھا جناب.